हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा। आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अबाउट सस्पेंस अकाउंट। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन वेरी डिटेल इन टूडेज वीडियो। स्टूडेंट, सस्पेंस अकाउंट के जहां तक नाम की बात है, इसको पंजाबी में कहते हैं भूल चूक खाता, कुछ भूल हो गई है, यस। और संदेहात्मक, जिस पर शक हो, डाउट हो, सही सोच रहे हो, कुछ ऐसा ही है ये अकाउंट। इसको हम टेक्निकली अगर शब्दों में बांधने की कोशिश करें, सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरी लेजर अकाउंट। ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक एक लफ्ज अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरी लेजर अकाउंट विच इज ओपन टू रिकॉर्ड invisible and undisclosed errors concerning a account or accounts. Yes, एक ऐसा ledger account है जो कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसका हमें अभी पता नहीं है, undisclosed है वो। उन गलतियों को cover up करने के लिए जो ledger account बनाया जाता है वो है suspense account। इसको और detail में समझते हैं। आप सभी को पता है, जब प्लस वन लेवल पर अकाउंटेंसी की शुरुआत करते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं, जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर अकाउंट के बैलेंस निकालकर उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एक ट्रायल बैलेंस के रूप में स्टेटमेंट तैयार की जाती है। ट्रायल बैलेंस के दोनों बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, सभी अकाउंट के जिन जिन के भी बैलेंस होते हैं लेजर अकाउंट में, वो सारे लिखने के बाद नीचे टोटल चेक किया जाता है। अगर तो टोटल मिलता है तो ट्रायल बैलेंस सही, अगर ना मिले तो कुछ गलती है। मान लो ट्रायल बैलेंस मिल गया तो बिजनेस ने ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, वो बनाने होते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो उसका वित्तीय वर्ष है उसके अंत में। मान लो ट्रायल बैलेंस मिला नहीं, उधर हमने फाइनल अकाउंट बनाने हैं, तो दिक्कत खड़ी होगी। उस हालत में क्या होता है, जो भी बैलेंस नहीं मिल रहा, उस बैलेंस के नाम से एक नया लेजर अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट, अगर कोई पूछ ले, कोई भी हो सकता है भाई, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसको कब खोलना पड़ा। मैं समझाता हूं आपको। मान लो ये ट्रायल बैलेंस है आपके सामने बना, इसके डेबिट और क्रेडिट दोनों टोटल आपस में मिलते हैं। मान लो किसी ट्रायल बैलेंस का टोटल ऐसे ना मिले, डेबिट साइड का टोटल मान लो 10,000 हो और क्रेडिट साइड का टोटल 9,000 आ जाए, उधर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है, फाइनल डेट आ रही है उसको सबमिट करने की, बनाना बड़ा जरूरी है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने अकाउंटेंट की हेल्प से वहां पर 1,000 रुपीज, क्योंकि क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड में 1,000 डालकर दोनों साइड का टोटल मिला देता है ट्रायल बैलेंस का, और उस क्रेडिट जो 1,000 डाला उसको एज ए सस्पेंस अकाउंट कह देता है। इसी तरह से मान लो डेबिट का कम हो जाए तो वहां पे डेबिट का नाम से फिर सस्पेंस अकाउंट बनता है, सस्पेंस अकाउंट विद डेबिट बैलेंस। अब समझ लगा, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी, डिपेंड्स के ट्रायल बैलेंस में कैसा बैलेंस नहीं मिल रहा। जिस साइड का भी बैलेंस कम, सस्पेंस अकाउंट का वही बैलेंस। क्लियर? तो आपको एक बार वो बता दूं, कोई जनरली क्वेश्चन राइज होता है कि सस्पेंस अकाउंट की बेसिक फीचर क्या है, ये टेम्परेरी है भाई, ये जैसे ही हमें गलतियां डिस्क्लोज हो जाती हैं, हमें गलतियों का पता चलता है, जो सस्पेंस अकाउंट है अपने वो क्लोज हो जाता है। ये ध्यान रखो, व्हेनेवर एरर्स आर डिस्क्लोज्ड सस्पेंस अकाउंट इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, इसको बंद करना पड़ता है, अपने आप बंद हो जाता है। फिर इसको बंद कैसे करते हैं, बिजनेसमैन ने अब फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर दिया, बुक्स बना, सारा कुछ क्लियर हो गया, अब एक एक गलती को, एक एक डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा कि गलती कहां पर है। जैसे जैसे गलतियां मिलेंगी, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस उतना ही कम होता चला जाता है। ये टॉपिक हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट को कहां कहां यूज करते हैं, एक तो आप, मैंने बताया कि जब ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा तो दिखाते हैं, तब से वो शुरू होता है। खत्म कहां पे होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ, जैसे जैसे गलतियां मिलती हैं, अशुद्धियां मिलती हैं, उसको रेक्टिफाई मींस शुद्ध कर लिया जाता है, उसके साथ ही सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाता है। अब अगर फाइनेंशियल ईयर में सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन कर लिया तो इसको फाइनल अकाउंट में कहां दिखाते हैं, ये क्वेश्चन भी जनरली राइज होता है। तो बिल्कुल क्लियर है भी, अगर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जो डेबिट बैलेंस वाली होती है वो होती है एसेट्स, तो इसको एसेट साइड में दिखाते हैं।
ये ध्यान रखो, प्लस वन लेवल के स्टूडेंट्स जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर इसको शो करते हैं एसेट्स में, बैलेंस शीट में। अगर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो, क्योंकि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज जो होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में शो करते हैं और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस को लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। डेबिट बैलेंस हो सस्पेंस अकाउंट का एसेट साइड, क्रेडिट बैलेंस हो तो लाइबिलिटी साइड, क्लियर। और जब रेक्टिफिकेशन एरर करते हैं, जैसे जैसे गलतियां मिलती हैं, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अपने आप कम होता होता जीरो पे आ जाता है, तभी हम मानते हैं कि हमारे सारे अकाउंट बिल्कुल सही है, जब सस्पेंस अकाउंट जीरो पे आ जाए। समझ लगा? प्रैक्टिकली जब बिजनेसमैन इसको डील करता है तो इस ढंग से कर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कोई एक रीजन बताओ कि सस्पेंस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो भी ट्रायल बैलेंस मिलाना, ट्रायल बैलेंस मिल नहीं रहा, लेकिन जो मेजर ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस बनाने का वो है टू अवॉइड एनी डिले इन सबमिशन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को बनाने में आने वाली किसी भी देरी को रोकने के लिए सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। सस्पेंस अकाउंट बनाया कब कब जाता है, उसका एक रीजन तो आपको क्लियरली पता चल गया, जब ट्रायल बैलेंस आपस में नहीं मैच कर रहा तो अकाउंटेंट क्या करते हैं, जो भी बैलेंस कम है उस बैलेंस के साथ सस्पेंस अकाउंट डालकर ट्रायल बैलेंस को मिला देते हैं। दूसरा कारण है व्हेनेवर देयर आर डाउटफुल आइटम्स और डाउटफुल ट्रांजैक्शंस। कोई डाउटफुल ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो उसको जब तक क्लैरिटी नहीं होती उसको एज ए सस्पेंस दिखा देते हैं, एज ए सस्पेंस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में 15,000 रुपीज एज ए कैश रिसीव हुआ, कैश मिल गया, ठीक, लेकिन जो रिसीट थी जिस पर हमारे पास रिकॉर्ड था जिसके अकॉर्डिंगली हमें कैश मिला, या तो वो गुम होगी, अब हमें ये नहीं पता चल रहा किससे मिला, या वहां पे नाम की क्लैरिटी नहीं है, कुछ डाउट्स हैं। जब तक वो डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक उस रिसीव हुए कैश कैश को जिस पार्टी का नाम शो करेंगे वो नहीं कर पा रहे, सस्पेंस अकाउंट लिख दिया जाएगा। समझ लगा? जिस दिन मिलेगा तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप वाइंड अप हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था सस्पेंस अकाउंट के बारे में। मुझे लगता है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कंसर्न है नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दें। मेरे इस चैनल पर इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस हैं, कॉमर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियो भी यहाँ पर है, मोटिवेशनल वीडियो आल्सो हेयर ऑन जानकारी चैनल, और बहुत सी वीडियोज आती रहेंगी, पहली वाली को भी देखते रहें। टिल देन थैंक यू वेरी मच।